तो आज की वीडियो तीन फ़ोन्स के बारे में होने वाली है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी इन्हीं फ़ोन्स के बारे में। इन्हीं फ़ोन्स का मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, बहुत सारे टेस्ट कंप्लीट किए हैं इनके बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो पहले तो वो देख के आइए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा इन तीनों फ़ोन्स का कैमरा टेस्टिंग भी कर चुका हूँ, तो कैमरा टेस्टिंग नहीं देखी तो वो भी पहले एक बार वीडियो को देख के आइए, आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी। तो आज जो ये वीडियो होने वाली है, तीनों फ़ोन्स को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, कौन सा फ़ोन यहाँ पर किस बंदे के लिए बना है, और इनमें से कौन सा फोन किस कैटेगरी में ज्यादा आगे है या फिर ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो आज की वीडियो सारा इसी के ऊपर होने वाली है, तो जल्दी शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो मेरा नाम है लवि और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल PTG Unbox। तो जो ये वीडियो होने वाली है ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी होगी, स्पेसिफिकेशन वगैरह बताते रहते हैं, लेकिन उनके पास फोन नहीं होता है। तो बिना फोन के स्पेसिफिकेशन बताना, चलो आपको पता ही है कि क्या होता होगा। तो मैंने तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखा है, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें मैं फेस करता हूँ इन फ़ोन को यूज़ करने के टाइम के ऊपर। तो सारी चीज़ें आपको पता लगनी चाहिए ताकि आपका पैसा सेव हो सके, क्योंकि तीनों फ़ोन, सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की। तो तीनों फ़ोन्स की बात करता हूँ तो नॉर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये मेरे पास है 8GB वाला मॉडल, 8GB 128GB वाला मॉडल, ये 30,000 के अराउंड मिलता है। वैसे जो नॉर्ड यहाँ पे लॉन्च हुआ था वो कम का लॉन्च हुआ था, 28,000 का, लेकिन वो वाला मॉडल 6GB वाला मॉडल तो कहीं पे गुम हो गया है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए उसको आगे लेके आए थे, लेकिन उसको फिलहाल उनका सेल में उतारने का कोई मकसद नहीं लग रहा है, 30-35 दिन बड़े आराम से लग जाएंगे। तो प्राइसिंग बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि जो ये फ़ोन है OnePlus Nord 2 ये आपको 30,000 का देखने को मिल जाएगा। तो आगे जो हमारे पास फ़ोन पड़ा है iQOO 7, ये एक मास्टर एडिशन है, मास्टर कलर है, ऑरेंज कलर आपको देखने को पता लग ही गया होगा, क्योंकि iQOO में पहले दो कलर आते थे, एक था ब्लैक और दूसरा था कुछ सॉलिड आइस ब्लू करके कलर था, बहुत लाइट कलर था वो, और तीसरा कलर इंट्रोड्यूस किया है। तो मैंने इसलिए इसको मंगवाया था, इसकी अनबॉक्सिंग भी की है, आप चेक कर सकते हैं सारा कुछ। तो मुझे ये कलर यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है फिलहाल। तो प्राइसिंग की बात करता हूँ तो इसका प्राइस बाकी जो इसके दो मॉडल आते हैं उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फ़र्क की बात नहीं करते, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, सेम ही यहाँ पर प्राइस है। वैसे तो iQOO 7 आपको देखने को मिलता है 32,000 का। तो यहाँ पे मैं कोई डिस्काउंट वगैरह की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको एक जो बेसिक जो प्राइस रहता है डिवाइस का वो बताने वाला हूँ। तो ये 32,000 का फ़ोन है, लेकिन इसके ऊपर एक कूपन लगता है जो हर कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। जब भी कोई सेल वगैरह आती है या कोई iQOO वाले कुछ ऑफ देने की कोशिश करते हैं तो वो अमेज़ॉन के ऊपर 2,000 का कूपन वहाँ पर लगा देते हैं, वो सिंपली क्लिक करते हो आप और वो ऑफ़ हो जाता है, तो यानी कि फ़ोन 30,000 का बन जाता है। तो इस पर कोई भी आपको ऑफ़र लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका बिना ऑफर लगाए किसी भी बंदे के लिए, किसी के पास को क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, चाहे वो COD कर रहा है, सभी को 2,000 ऑफ मिलता है, तो वो ये फ़ोन 30,000 का बन जाता है। तो यानी कि दोनों फ़ोन कितने के हो गए, 30,000 के। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और अगर मैं पोको F3 GT की बात करता हूँ तो पोको F3 GT जो है इसका जो बेस प्राइस है, पहले हफ्ते जो सेल स्टार्ट हुई थी तो 6GB वाला मॉडल आपको 26,000 में देखने को मिलता था। उसके बाद जो सेकंड वीक आया है सेल का, तो सेकंड वीक में अभी पहुंच चुका है सेल, तो तब आपको मिलेगा ये 500 रुपये ज़्यादा, यानी कि 26,500 का। और जब ये इसका जो रेगुलर टाइम आ जाएगा फ़ोन को सेल करने का, तब ये सेल होगा 27,000 में। तो जब मैंने फ़ोन ये बाय किया था तब 6GB वाला मॉडल 26,000 का था, ये वाला मॉडल मैंने 8GB लिया है, तो तीनों मेरे पास यहाँ पे 8GB 128GB वाले मॉडल हो गए, बिल्कुल यहाँ पे कंपैरिजन फेयर है। और ये 8GB वाला जो मॉडल है तो तब ये फ़ोन मुझे 28,000 में पड़ गया था, ऑफ वगैरह की बात नहीं करते हैं। तो ये अभी मान के चलते हैं कि ये वाला फ़ोन यहाँ पे 28,000 का है और ये फ़ोन हमारे पास 30,000 का और ये भी 30,000 का। अभी इस हफ्ते ये 28,500 का हो गया है, अगर नेक्स्ट वीक बाय करोगे तो वो 29,000 का हो जाएगा, मतलब वो रेगुलर प्राइस में आपने आ जाएगा। तो प्राइसिंग के मामले में आप देख सकते हो तीनों फ़ोन यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ये दोनों फ़ोन थोड़े से कॉस्टली हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे 2,000 रुपये सस्ता मिलता है आपको, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क नहीं है, तो इसको यहाँ पे सेम ही बोला जा सकता है, 2,000 रुपये का फ़र्क है। तो क्या ये 2,000 रुपया कम दे के आप ये वाला फ़ोन बाय कर सकते हो, वीडियो में आगे पता चली जाएगा आपको क्या यहाँ पे सिनेरियो निकल के आता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इन कवर से, बात करते हैं। मैंने कवर्स इसलिए लगा के रखे हैं ताकि आपको कवर से एक बार मैं रिमूव भी कर दूँ आपके सामने और आपको कवर्स की क्वालिटी के बारे में बता दूँ। तो OnePlus Nord का जो कवर है मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, बहुत सॉलिड है। तो ये इतना ज़्यादा सॉलिड लग रहा है मुझे कि अगर मेरा फ़ोन ऐसे गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है खास, हल्की फुल्की यहाँ पे अगर गिरता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बम्प को भी बड़े इजीली अच्छे से कवर करता है आप देख सकते हो। सबसे जो अमेजिंग पार्ट मुझे लगता है मैं आपको दिखाता हूँ एक इसका पार्ट, ये आप देखो यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये जो पैटर्न बना है ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन वाला TPU कवर। तो ये चीज़ ज़्यादा सॉलिड भी है, हार्ड मटेरियल से बना है इन दोनों से,
तो ना ही तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, तो ये आपके फ़ोन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। तो केस के मामले में सबसे ऊपर मैं इसी को रखना चाहता हूँ। इसकी केस की क्वालिटी भी अच्छी है और प्रोटेक्शन भी अच्छी है। तो आगे बात करते हैं आईक्यू 7 के केस की। तो इसका केस भी वैसे बाहर निकला हुआ है और इसको आप देख सकते हो बम भी कवर करता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे गिरने के बाद दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो ये सॉलिड है वो इस फ़ोन का था, इसका इतना सॉलिड नहीं है, थोड़ा सा पतला है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार निकाल के। तो इसका जो मटेरियल है थोड़ा सा पतला है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसको अबव एवरेज बोल सकते हैं, बेस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अच्छा आपके लिए अच्छा खासा काम कर देगा। तो इसको भी एक थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं। अभी बात करते हैं वर्स्ट केस की। तो ये मुझे यहाँ पे वर्स्ट केस लगा है किसी भी फ़ोन में जो टीपीयू कवर्स आते हैं। तो वर्स्ट कैसे लगा है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो आप यहाँ पे देखोगे इसका यहाँ पे बम्प जो है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बम्प को तो ये बड़े इजीली कवर कर ही रहा है, आप देख सकते हो। साथ में ये देखो आप यहाँ पे जो इसका ये वाला हिस्सा है ये ऐसे हिलता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। पावर बटन वाला भी जो ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत देती है पावर अनलॉक करने को, तो एक दो बार मिस हो जाता है। क्यों मिस होता है? क्योंकि ये चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और जो पावर बटन है वो बिल्कुल अंदर यहाँ पे घुसा पड़ा है, बिल्कुल बाहर नहीं है। आप ऐसे साइड पे आपको पता चल जाएगा, आप एक बार देखोगे ये काफ़ी अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब ये अच्छी सी फील नहीं देता, बड़ा चीप क्वालिटी का लगता है। और ऊपर से इसकी क्वालिटी है वो तो बिल्कुल ही चीप लगा रखी है, आपको दिखाता हूँ निकाल के एक बार। तो जो इसकी क्वालिटी भी है, जैसे जो मटेरियल से बना हुआ है और जो बाकी दो थे उससे कम है, और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिक्कत देती हैं, तो मतलब बहुत ही एवरेज सा कवर है, एवरेज से भी एक बार नंबर मैं नीचे बोलूँगा। आप इस फ़ोन के लिए कोई अच्छा सा कवर बाय कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस कवर से ना तो कोई प्रोटेक्शन होगी, ना ही आपको यहाँ पे ना ही आपको ये अच्छा फील देगा, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। तो कवर के बारे में कोई नहीं बताता है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो इसके बाद बात करते हैं कलर्स वगैरह की, डिज़ाइन वगैरह की, बिल्ड वगैरह की, सारी चीज़ बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन प्लस नॉट 2 से। तो इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब एक स्मूथ सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी फील आती है। अच्छी बात यह है कि इस पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो यहाँ पे नहीं आते हैं, आप देख ही सकते हो ये फिंगरप्रिंट को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ है, और ये कलर यहाँ पे दूर से देखोगे तो काफ़ी लोगों को ये अट्रैक्ट करेगा। तो आप बोल सकते हो कि एक बेसिक सा फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे इसकी लुक और फील आती है वो वन प्लस की जो सीरीज़ है 9 सीरीज़ उसके साथ मेल खाती है। वन प्लस 9 बोल सकते हो, 9 का बिल्कुल रेप्लिका लगता है ये बैक साइड से, और कैमरा का जो ये बड़े बड़े आपको सेंसर देखने को मिलते हैं ये फ़ोन को काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। तो कलर के मामले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ प्रीमियमनेस की, तो इसको पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको फील आती है, आपको ऐसा लगता है कोई आप 40-50 हज़ार वाला फ़ोन आपने हाथों में पकड़ा हुआ है। तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाता हूँ एक बार, बहुत अच्छा यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो वेट है इसका 189 ग्राम्स है, तीनों फ़ोन से सबसे हल्का है, सबसे हैंडी फ़ोन बोल सकते हो, आपके हाथों में बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि जो स्क्रीन का साइज़ भी है वो 6.43 इंचज़ है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा आपको फील देगा डिज़ाइन के मामले में। प्रोटेक्शन की भी बात करता हूँ, गोरिल्ला ग्लास 5, और यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास 5, दोनों साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5, और दिक्कत यहाँ पे बस सिर्फ एक ही है कि जो इसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, तो ये चीज़ आप इसको देख सकते हो स्क्रैचेस जल्दी आ जाएंगे मेरे हिसाब से, अगर इसको कवर में नहीं लगाओगे तो कवर में रख के इसको यूज़ कीजिएगा। तो ये बेल्ट के मामले में मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी सॉलिड लगा है, और सबसे बड़ी बात कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है इसको हाथ में पकड़ने में। जैसे बाकी फ़ोनों की बात करता हूँ, थोड़े से चौड़े चौड़े फील होते हैं, आप देख सकते हो ये फ़ोन चौड़ा लग रहा है आपको, वहीं मैं बात करता हूँ अगर आईक्यू की, तो आईक्यू का फ़ोन भी मुझे थोड़ा सा चौड़ा लगता है, तो फ़ोन की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है दोनों की, तो ये चीज़ आपके जो फ़ोन को ऐसे पकड़ते हो तो उसमें थोड़ा सा वो लगते हैं बड़े फ़ोन, ये बिल्कुल बड़ा नहीं लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इन हैंड फील 1 नंबर इसकी, इसको मैं 10 में से 10 नंबर दे सकता हूँ इन हैंड फील की बात करते हैं। वहीं आगे बात करता हूँ आईक्यू की, तो आईक्यू का यहाँ पे मेन अट्रैक्शन जो मैंने यहाँ पे फ़ोन बाय किया है ये सिर्फ कलर की वजह से बाय किया है, कलर इसका मेन अट्रैक्शन है। कम से कम मुझे 20 बंदों ने पूछ लिया है कि आपके पास ये कौन सा फ़ोन है, क्योंकि ऐसा कलर आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है, और ऊपर से वो स्पेशल पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, और मॉन्स्टर पढ़ने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन होती है लोगों को, अच्छा ये मॉन्स्टर लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है ऐसे डिज़ाइन में। तो इसके अलावा आगे बात करता हूँ इसकी बिल्ड की, तो इसमें आपको स्कॉट सेंसेशन का आपको ग्लास देखने को मिलता है,
रेटिंग करना चाहूँ तो गोरिल्ला ग्लास 3 और गोरिल्ला ग्लास 5 के बीच में आता है। तो यानी कि ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो नॉर्ड से एक नंबर नीचे ही रहने वाला है ये आईकू का डिवाइस। और आगे बात करते हैं साइड वाले फ्रेम की, तो ये भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है जैसा आपको नॉर्ड में देखने को मिलता है, तो इसको भी रिकमेंड करूंगा कवर में यूज़ करें। अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो इससे 7 ग्राम ज़्यादा है, 196 ग्राम। आपको इतना हैवी फील नहीं होता, अंडर 200 ग्राम आ जाता है, लेकिन ये फ़ोन थोड़ा सा चौड़ा लगता है। इसकी इन हैंड फील की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल देगा, एक कंफर्टेबल फ़ोन है। वहीं ये वाला फ़ोन थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा लगता है, तो जिस बंदे के हाथ थोड़े से छोटे होंगे उसको तो ये फ़ोन लगेगा बहुत बड़े वाला। लड़कियों को भी यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, लड़कियों के लिए तो ये वाला फ़ोन अच्छा रहेगा। अगर आपको इन हैंड फील देखनी है तो देख सकते हो आप कैसा काम करके देगा आपको। तो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे मुझे अच्छा लगा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा हैवी नहीं लगता है। आप देख सकते हो एक फिंगर पे बड़े इजीली यहाँ पे सकते हो आप, ठीक है, अच्छा काम करता है। बाकी थोड़ा सा चौड़ा है, ये चीज़ आप देख लीजिए एक बार। वहीं बात करते हैं पोको F3 GT की, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 5, उसके बाद यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास 5, और फ्रेम भी यहाँ पे मेटल का फ्रेम। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में, प्रोटेक्शन के मामले में सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग काम करके देगा वो आपको पोको F3 GT करके देगा। तो फ्लैश आप देख सकते हो तो कितना अच्छा यहाँ पे दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाती है RGB लाइटिंग। ये चीज़ यहाँ पे इन दोनों से यहाँ पे अलग हो जाती है। डिज़ाइन इसका थोड़ा सा अग्रेसिव है, स्पेशली मेड फॉर गेमर्स, तो गेमर्स को तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिगर भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये ट्रिगर वाला काम भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। आगे मैं वेट की भी बात करता हूँ तो आप देखो एक फिंगर पे के ऊपर बड़े इजीली यहाँ पे मैनेज हो रहा है। और अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो इसका वेट यहाँ पे सबसे यहाँ पे ज़्यादा है तीनों ही डिवाइसेस में से। तो आपको इसका वेट 200 ग्राम से ज़्यादा मिलता है, 205 ग्राम, और ये फ़ोन थोड़ा सा चौड़ा है जैसे आईकू 7 है। इन दोनों फ़ोन को जो मैं हाथ में पकड़ता हूँ तो मुझे सेम ही फील आता है, सेम ही चौड़े हैं फ़ोन ये, और सबसे बल्कि भी ये फ़ोन हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल हाथों में रहे तो ये आपके पास ऑप्शन है। हर कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हो। वहीं ये गेमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई और बंदा नहीं ले सकता, नॉर्मल बंदा बड़े ईजिली ले सकता है, क्योंकि ROG जैसा ये अग्रेसिव नहीं है, उससे कम है, एक सिंपल वाला फ़ोन लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं तीनों ही फ़ोन्स के डिस्प्लेस के बारे में। तो हमारे पास ये OnePlus Nord 2 है, और Nord 2 में आपको 6.43 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90 हर्ट्ज तक आपको सपोर्ट करती है, और जिसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे फुल HD+ देखने को मिलता है। इसमें आपको HDR 10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको डिस्प्ले की क्वालिटी भी मैं चेक करवा देता हूँ। आगे बात करते हैं आईकू 7 की, तो आईकू 7 में आपको 6.62 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि HDR 10+ को सपोर्ट करती है। और साथ ही मैं अगर बात करना चाहूँ इसकी रिफ्रेश रेट की, तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे Nord 2 से इसको थोड़ा सा आगे बनाती है, ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। वहीं मैं बात करता हूँ पोको F3 GT की, तो इसमें आपको जो स्क्रीन का साइज़ देखने को मिलता है वो 6.67 इंच का एक डिस्प्ले है, जो कि 120 हर्ट्ज़ को यहाँ पे सपोर्ट करता है, और तीनों ही डिवाइसेज यहाँ पे HDR 10+ को सपोर्ट करती हैं। तो तीनों को एक बार मैं साइमेंटली प्ले करके दिखाता हूँ एक बार आपको। देखो अगर आप डिस्प्लेस की बात करते हो तो यहाँ पे OnePlus का डिस्प्ले काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन आपको इसमें एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है, जो इसका डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज तक है। वहीं आईकू और पोको F3 GT का जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज तक जाता है, स्मूथनेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो मुझे आईकू का डिस्प्ले है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट लगता है, सनलाइट में मैं जाता हूँ डायरेक्टली, तो तीनों में से मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले आईकू 7 का लगता है। तो उसके बाद नंबर आता है OnePlus Nord 2 का, और तीसरे नंबर पर पोको F3 GT। इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको मैं ब्राइटनेस के मामले में फ़र्क बता रहा हूँ कि आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्प्ले में जो सबसे, अगर मैं चूज़ करना चाहूँ एक डिस्प्ले को, तो मैं यहाँ पे आईकू 7 को चूज़ करूँगा। और मैं अगर मैं मल्टीमीडिया कंजप्शन की बात करता हूँ उस हिसाब से, तो मैं OnePlus Nord को यहाँ पे चूज़ करना चाहूँगा। इसका रीज़न ये है कि इस पे जो आपको कैमरा का पंच देखने को मिलता है, होल देखने को मिलता है, ये बिल्कुल साइड के ऊपर है, आपको कंटेंट कंज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही गेम खेलने के टाइम पे आपको कोई दिक्कत आती है। तो डिस्प्ले के बारे में आपको मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो मुझे फेस हुई है वो आपको बताना चाहता हूँ। OnePlus Nord 2 में 3-4 दिन हो चुके हैं, तो मुझे ऐसा कोई ग्रीन टिंट या फिर कोई ब्लैक क्रैश ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला,
इसमें मुझे तीनों में से सबसे ज़्यादा डीप ब्लैक्स दिखते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ, इसमें भी मुझे यहाँ पे डीप ब्लैक्स दिखते हैं, ब्लैक क्रश इशू नहीं है, लेकिन मुझे इसमें आपको ग्रीन टिंट इशू देखने को मिल जाता है। तो इसमें मुझे ग्रीन टिंट का इशू देखने को मिलता है, स्क्रीन काफ़ी ग्रीन हो जाती है डार्क रूम में या फिर डार्क सीन में, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, बिल्कुल आईक्यू 7 में देखने को मिल जाती है। मुझे लगता है कि अपडेट से सॉल्व हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि अपडेट से उनका काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन लॉक स्क्रीन के ऊपर मेरा यहाँ पे ज़्यादा विजिबिलिटी दिखती है ग्रीन स्क्रीन की, बिल्कुल मैं जब लाइट बंद कर देता हूँ, तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। इसके अलावा पोको F3 GT में मुझे थोड़ा सा ब्लैक क्रश देखने को मिलता है, ब्लैक्स इतने डीप नहीं है, तो आप इसको भी एक बार दिमाग में रखिएगा। तो आगे बात करते हैं इसकी पावर की, तो दोनों ही डिवाइसेज जो हैं हमारे पास, जो कि है OnePlus Nord 2 और Poco F3 GT Dimensity 1200 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है। तो तीनों का ही मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट भी कर रखा है, कौन सा ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल के देगा, वो परफॉर्मेंस वाली वीडियो देखो, उसके बाद इस ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ थ्रॉटलिंग वगैरह की, तो मुझे यहाँ पे इन दोनों में से सबसे जो अच्छा लगा है और सबसे पीक परफॉर्मेंस निकाल के देता है 1200 में से, तो ये यहाँ पे हमारे पास Nord 2 है और ये हमारे पास Poco F3 GT, ये इससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो जब मैंने प्रैक्टिकल टेस्ट किया तब जाके मुझे पता चला है कि Nord 2 की परफॉर्मेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Poco F3 GT, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं ये ज्यूम करके चल रहा था कि इसमें कुछ गेमिंग की वजह से कुछ ट्वीक्स ज़्यादा किए होंगे प्रोसेसर को लेके, तो परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगी, तो लेकिन मैं यहाँ पे काफ़ी गलत था, परफॉर्मेंस इसने ज़्यादा निकाल के दी है। तो वहीं मैं बात करता हूँ एक और रीज़न है जो परफॉर्मेंस को ज़्यादा लेके जाता है, जो कि इसका ऑक्सीजन OS, वहीं आपको MIUI देखने को मिलती है, तो ये आपके एक्सपीरियंस को ख़राब भी कर सकती है। तो जिसको तो अच्छा लगता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको MIUI अच्छी नहीं लगती है तो उनको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मुझे भी पर्सनली ये पसंद नहीं है, मैं किसी भी UI को चूज़ कर सकता हूँ लेकिन MIUI को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा आपको लैग्स देखने को मिल जाएंगे इस UI में। चलो लकीली Poco F3 GT का प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है तो लैग्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, लेकिन फिर भी जो MIUI है वो काफ़ी ज़्यादा लोडेड है तरह तरह की एनिमेशन से, तरह तरह की सेटिंग से, तरह तरह के ब्लोटवेयर से, तो इसकी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। वहीं ये लाइट रहता है फ़ोन ऑल द टाइम ऑक्सीजन OS की वजह से, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो इसलिए परफॉर्मेंस Nord 2 की ज़्यादा निकल के आई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बंदे सिर्फ स्पेक्स देख के आपको कंपेरिजन करके बता देते हैं उनकी बातों में मत आया कीजिए, जो रियल टाइम टेस्ट जब होता है तब पता चलता है कि परफॉर्मेंस कौन निकाल के दे रहा है। वहीं मैं बात करता हूँ IQ7 की, तो इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, इसका भी टेस्ट किया है, तो उस टेस्ट में परफॉर्मेंस टेस्ट में सबसे अच्छा काम किया है IQ7 ने, आपको पता ही है, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप चेक भी कर लेना। परफॉर्मेंस अच्छी क्यों निकाल के देता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 जो है एक स्टेबल प्रोसेसर है, आपको कोई भी तरह का किसी भी तरह का हीटिंग नहीं होती है, ओवरहीटिंग बोल सकते हैं, ओवरहीटिंग नहीं होती है, और आपको जो परफॉर्मेंस है वो पीक निकाल के देता है। अगर आप कोई इंटेंसिव टास्क कर रहे हो इन तीनों में से, तो IQ7 ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन आपको पता ही है कि ज़्यादा अच्छे से काम करता है क्वालकॉम के प्रोसेसर, ऊपर से 870 तो है ही बहुत ही अच्छे वाला प्रोसेसर, तो परफॉर्मेंस के मामले में तीनों में से आप अगर फ़ोन लेना चाहते हो तो IQ7 रिकमेंड करूँगा। गेमिंग तीनों में अच्छी हो जाएगी, आपको 1921 का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल मैं आप प्रेफर करूंगा स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर, इसमें आपको गेमिंग ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि IQ7 में मैं गेमिंग कर चुका हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है, पुराने वाले मेरे IQ में बहुत अमेजिंग मैं गेमिंग कर चुका हूं, अच्छा काम करके देता है। इतना ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन वही जो एडवांटेज लेके जाते हैं वो यहाँ पे ट्रिगर्स हैं, ये एडवांटेज लेके जाते हैं गेमिंग के टाइम के ऊपर, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करता हूँ कैमरास की, तो कैमरा का पूरा टेस्ट मैं कर चुका हूँ, बहुत अमेजिंग टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने वीडियो का टेस्ट भी किया था, बाकी फोटोज़ का काफ़ी सारी फोटोज़ भी मैंने वहाँ पर शो की थी। तो सबसे पहले तो आप वो कैमरा टेस्टिंग देख के आइए, उस वीडियो में मैंने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया था कैमरा को लेके, तो आज की वीडियो में कैमरा वाला पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ। फोटोज़ आपने देख ली हैं, वीडियोस आपने देख ली हैं, अगर मैंने सबसे पहले एक ऐसा कैमरा चूज़ करना हो ऑलराउंडर कैमरा जो सभी कुछ कर सकता है, तो मैं अनडाउटफुली इसको मैं चूज़ करूँगा IQ7 को। रीज़न क्या है, इसमें आपको जो मेन सेंसर देखने को मिलता है सोनी का IMX598, जो इसकी डिटेल्स हैं वो इन दोनों सेंसर से ज़्यादा हैं, मुझे डिटेल्स इसकी अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज फोन्स। इसके बाद इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है इन दोनों कैमरा से, और इसके अलावा इसका जो तीसरा कैमरा है वो वाहियत काम करता है, उसको छोड़ ही दीजिए, मेन
मेनली दो कैमरे अच्छा काम करते हैं, अल्ट्रा वाइड शॉट्स आपको अच्छे आएंगे और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा ही एज अ मैक्रो काम करता है, तो ज़्यादा डिटेलिंग आती है आपको फोटो में। मैंने दिखाया ही, आपने मेरे कैमरा टेस्टिंग देखी, आपको पता चलेगा। तो ओवरऑल एक कैमरा आपको पैकेज चाहिए तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, लेकिन इसमें दिक्कत भी बहुत सारी हैं, आपको बताता हूँ। एक तो अगर आप वीडियो शूट करते हो तो वीडियो के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें फोकस की बहुत इशू आते हैं, फोकस बहुत छोड़ता है, साथ में थोड़ा सा वाइट कर देता है जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, सारी फोटो को थोड़ा सा वाइटिश टोन दे देता है। दूसरी बात करता हूँ, इसकी अभी वो पुरानी वाली आदत नहीं गई है अपने फेस के ऊपर वो वाइट टोन लाने की। आपको मैं दिखाता हूँ अपनी को फोटोज़, तो आप यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, तो आप ये देखिए ये फेस को यहाँ पे कितना वाइट कर देता है। वहीं अगर मैं ये सेम पिक्चर आपको मैं नॉर्ड में दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये वही नॉर्ड की फ़ोटो है। तो अब देखो यहाँ पे फ़र्क, एक तो इसने क्या किया है, जो मेरा मेरी जो टर्बन है वो ब्लू कलर की है, जो एक्यूरेट कलर यहाँ पे निकाल के दिए हैं नॉर्ड ने, तो इसने पर्पल कर दिया है। साथ में जो फेस वाला जो हिस्सा है सारा, ये देखो यहाँ पे पूरा वाइट कर दिया है, ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए था, तो इसने लेकिन यहाँ पे वाइट किया है, तो ये काफ़ी ख़राब बात हो जाती है। वहीं अगर मैं सेम फ़ोटो यहाँ पे निकालता हूँ पोको F3 GT में, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे काम ख़राब कर रहा है पोको F3 GT भी, इसके भी मुझे कलर्स इतने अच्छे नहीं लगे हैं। तो ये दिक्कत को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, आपका फेस यहाँ पे वाइट वाइट कर देगा, चाहे आप जितने मर्जी ब्यूटी मोड ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ कर दो, लेकिन स्टिल ये चीज़ यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर में बसी हुई है, वही काम करता रहता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अपडेट से सॉल्व हो सकती है, बाकी टाइम आने पर देखते हैं क्या बनता है। इसके अलावा मैं अगर अल्ट्रा वाइड की बात कर रहा था, अल्ट्रा वाइड यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं IQ7 में, तीनों में से अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करता हूँ तो अल्ट्रा वाइड आपको IQ7 अच्छे निकाल के दे देगा। वहीं मैं आपको एक मैक्रो शॉट दिखाना चाहता हूँ, आपको मैक्रो शॉट यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैक्रो शॉट में कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है, जितना मर्जी जूम कर लो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाली डिटेल दिखने वाली है। तो ये यहाँ पे मैक्रो बहुत अच्छा है। तो वहीं बात करता हूँ यहाँ पे मैं पोको की, तो पोको में एक डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा है, देता है, डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। वहीं जो नॉट 2 है उसमें तो मैक्रो कैमरा ही नहीं है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हो जिसमें आपको नेचुरल कलर शो करे, ह्यूमन सब्जेक्ट के स्पेशली आपको नेचुरल टोन आए, तो आपके लिए यहाँ पे OnePlus Nord 2 बना है। Nord 2 के जो कलर्स आते हैं बहुत अमेजिंग निकल के आएंगे, जो ह्यूमन की स्किन का कलर भी आता है बहुत अच्छा निकल के आता है, और ओवरऑल जो कलर रिप्रोडक्शन होती है आफ्टर प्रोसेसिंग, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर टू इन दीज फोन्स। तो OnePlus Nord 2 को आप प्रेफर कर सकते हो। वहीं मैं अगर वीडियोज़ की बात करता हूँ वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफिक में हर एंगल से यहाँ पे मात कर रहा है पोको F3 GT। इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। दूसरा, इसका जो माइक इन्होंने 3 दे रखे हैं, ऑडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो वीडियो के लिए आप पोको F3 GT को चूज़ कर सकते हो, नेचुरल कलर्स वगैरह के लिए आप OnePlus Nord 2 को चूज़ कर सकते हो, और ओवरऑल पैकेज के लिए IQ7 को चूज़ कर सकते हो। इसका अल्ट्रा वाइड भी अच्छा है, इसकी डिटेलिंग भी ज़्यादा है, और अगर मैं बात करूँ मैक्रो, तो मैक्रो भी यहाँ पे अच्छा काम करता है बिकॉज ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है। बाकी नाइट मोड की बात करता हूँ, तो नाइट मोड में यहाँ पे सिर्फ ये दो कैमरास अच्छा काम करते हैं, ये आप छोड़ दीजिए, पोको F3 का नाइट मोड बिल्कुल बेकार है। इन दोनों में से एक चूज़ करना हो तो मैं नॉट को चूज़ करूँगा नाइट मोड में, क्योंकि ये एक रात को बिल्कुल अच्छे से कलर आपको प्रोड्यूस करके देगा। वहीं मैं बात करता हूँ IQ7 की, तो IQ7 फोटो को पीला कर देता है, तो ये पीला तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस पीलेपन की बात कर रहा हूँ, तो ये फ़ोटो आप देख सकते हो, और वहीं मैं ओरिजिनल फ़ोटो दिखाऊँ आपको, जो ओरिजिनल थी वो यहाँ पर फ़ोटो ये थी, तो आप देखो यहाँ पर कितना फ़र्क है। ये इसने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल जो असली जो मेरी आंखें देख रही थी वैसा कुछ दिखाया है, वहीं ये इसने दिखाया बिल्कुल बिल्कुल येलो कलर, तो ये आप देख सकते हो। तो ये इसकी आदत है येलो करने की फ़ोटोज़ को, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ़ोटो को ज़्यादा ब्राइट कर दिया है वो IQ7 ने किया है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कैमराज को, तो कैमरा को लेकर आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो अब बात करते हैं बैटरीज़ की, तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छा वाला बैटरी बैकअप मिलता है वो पोको F3 GT में अनडाउटफुली यहाँ पर मिल जाएगा। अभी देखो जब मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट किया था उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, कल थोड़ी सी वीडियो शूट की थी ये वाली, उसके बाद मैंने फ़ोन को फिर स्विच ऑफ कर दिया था, तीनों फोन्स को, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आइडल ड्रेन यहाँ पे कितना करता है। तो आप देखो यहाँ पे 65% अभी भी इसकी बैटरी पड़ी है, किसी भी फ़ोन को मैंने चार्ज नहीं किया है, और ये दोनों फ़ोन यहाँ पे बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। दोनों फ़ोन में मैंने सारा कुछ बिल्कुल बराबर किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, तो ये दोनों 51% पे हैं। तो SOT की बात करता हूँ, तो इसमें आपको 6.5 से लेके 7 घंटे का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा इन दोनों डिवाइसेस में आपको। एवरेज की बात करता हूँ 5.5 से लेके 6 घंटे का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों फ़ोन में आपको जो बैटरीज देखने को मिलने वाली हैं बिल्कुल सेम मिलेंगी।
एक में 4400 mAh की बैटरी है, इसमें 4400 mAh की बैटरी है, वहीं इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी है वो बड़ी है 5065 mAh की, तो बैटरी बैकअप इसमें अच्छा आएगा। वहीं मैं बात करता हूँ अगर चार्जिंग स्पीड्स की, तो 65W की यहाँ पे चार्जिंग मिलती है रैप चार्जिंग आपको OnePlus Nord 2 में, और 66W की यहाँ पे चार्जिंग मिलती है आपको फास्ट चार्जिंग में देखने को मिल जाती है आपको IQOO 7 में, और इसमें आपको 67W की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन तीनों में से सबसे जो जल्दी चार्ज होता है वो ये वाला डिवाइस है, 30 मिनट में चार्ज हो जाता है, इसका मैंने टेस्ट कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो पहले जाके देखाएं। तो इसके बाद कुछ कनेक्टिविटी की बात कर लेता हूं। आपको मैंने नेटवर्क टेस्ट भी करके दिखाया है, वाईफाई रिसेप्शन भी दिखाई है, तो उसमें IQOO 7 बहुत पीछे रह जाता है, ये दोनों डिवाइस अच्छा काम करती हैं। तो इसके अलावा अगर मैं 4G प्लस की बात करता हूँ, कैरियर एग्रीगेशन की बात करता हूँ, तो सबसे अच्छा काम जो करके देता है वो यहाँ पे नॉट करके देता है, नॉट 2। और मैं अगर कॉलिंग की क्वालिटी की बात करता हूँ तो ये भी नॉट 2 में अच्छी आती है। तो अगर मैं 5G बैंड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 6-7 5G बैंड देखने को मिलते हैं, कहीं पे 6 लिखा हुआ है कहीं पे 7, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो N29 वाला वो बैंड है वो कहीं पे मेंशन है कि इसमें सपोर्ट करता है, कहीं पे है नहीं करता, तो आप यहाँ पे 6-7 में से कुछ भी मान के चल सकते हो, तो आपको 5G के 6-7 बैंड देखने को मिल जाते हैं। IQOO 7 में सिर्फ एक सिंगल बैंड देखने को मिलता है, पोको F3 GT में सिर्फ 2 बैंड देखने को मिलते हैं, तो इन दोनों का 5G बैंड्स है वो तो नामात्र हो जाते हैं। तो इस रीजन में आपको OnePlus जो Nord 2 है वो अच्छा काम करके देगा। तो आगे बात करते हैं कुछ ऐसे फीचर्स की जो यहाँ पे पोको F3 GT के पास ज़्यादा है, जैसे वो गेमिंग ट्रिगर की बात कर लेते हैं। तो गेमिंग ट्रिगर यहाँ पे बहुत अच्छा काम करके देंगे आपको गेमिंग में, जैसे जो बंदे यहाँ पे PUBG अच्छे से नहीं खेल पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी नहीं खेल पाता वैसे, तो उनके लिए ट्रिगर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करके वो काफ़ी अच्छी गेम प्ले कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके सामने है। इसके अलावा आपको यहाँ पे RGB भी देखने को मिल जाती हैं कैमरा के अराउंड। इसके अलावा IQOO 7 में आपको ड्यूल चिप देखने को मिलती है। वो ड्यूल चिप क्या है, वो MEMC टेक्नोलॉजी है, एक डिस्प्ले की चिप है जो अलग दे रखी है, वो जो क्या करती है आपकी जो अगर सपोज गेम कोई 60 FPS पे चल रही है उसको बूस्ट करके 90 FPS में या 120 FPS में आपको दिखा देगी, लेकिन यहाँ पे गेमिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो इन फोन में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं सारा कुछ आपको बता दिया है। तो फाइनल वर्दी की बात करते हैं, तो अगर आपको एक बिल्कुल परफॉर्मेंस वाला डिवाइस चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहे, आपका फ़ोन ज़्यादा हीट भी ना हो, गेमिंग भी आपको अच्छी मिल जाए, तो आप IQOO 7 को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगी। अगर आप गेमिंग का भी मज़ा लेना चाहते हो, गेमिंग ट्रिगर्स का भी मज़ा लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पोको F3 GT के साथ जा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे एक ऐसा फ़ोन देखना चाहते हो जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो और नॉर्मल काम के लिए भी यूज़ करना चाहते हो, बेसिकली बताना चाहूँगा अगर कोई बंदा ऑफिस के लिए फ़ोन ले रहा है, या मैं बोलूँ एक बंदा ऐसा है जो कैजुअल गेमर है जो 1-2 घंटा गेम खेलता है, तो उसको तो मैं इन तीनों में से OnePlus को रिकमेंड कर दूंगा, क्योंकि ये सारा एक फुल पैकेज है। कैमरा भी अच्छा, गेमिंग भी अच्छी करवाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, ऑक्सीजन OS का आपको तड़का देखने को मिल जाएगा, तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट पैकेज बन जाती है, तो इसको इजीली रिकमेंड किया जा सकता है किसी भी बंदे को। तो ये चीज़ आपके सामने है। तो इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं जितने भी पॉइंट हो सकते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाय करना चाहते हैं फोन्स को, तो अंडर 30,000 ये तीनों फोन्स यहाँ पे बेस्ट हैं आपके लिए। तीनों में से कोई भी फ़ोन चूज़ कर सकते हो, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने वीडियो में सारा बता दिया है कौन सी रिक्वायरमेंट है क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ आपको पता चल गया है, मैंने सारी चीज़ें आपको बोल के बता दी हैं। और आने वाले टाइम में मैं इसकी टेस्टिंग और भी करने वाला हूँ, अगर और भी चीज़ें मुझे पता चलती जाएंगी तो मैं आपको वो चीज़ें भी कवर करता जाऊँगा। तो फिलहाल के टाइम के लिए बस इतना ही, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी लंबी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में।